हाँ जी मधुबन के कंठे पर राजधानी स्थापना होगी तो बेहद की यमुना है। मधुबन के कंठे पर, मधुबन के कंठे पर नहीं, जमुना के कंठे पर, यमुना के कंठे पर है, यमुना के कंठे पर राजधानी स्थापना होगी। हम्म, तो बेहद की यमुना, यमुना तो कोई है और बेहद की यमुना कोई चैतन्य है। तो यहाँ कंठे माना क्या, कंठे माने नजदीक। आदि में यमुना थी तो अंत में भी यमुना होगी, एडवांस के भी आदि में थी तो बेसिक के भी आदि में थी तो अंत में भी थी। ऐसे ही जब राजधानी स्थापन होगी तो यमुना नदी के कंठे पर अर्थात चैतन्य में यमुना भी होगी और उसके किनारे अर्थात नजदीक राजधानी स्थापन होगी। बाबा जो आत्मा है अनिश्चय पत्र लिखकर घर जा रहे हैं तो क्या इससे ये साबित होता है कि जगदम्बा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जगदम्बा ने जब काम शुरू नहीं किया तब अनिश्चय पत्र लिख के नहीं जाते थे। झाड़ होता है, झाड़ में पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नए पत्ते निकलते रहते हैं। ये तो शुरुआत से ही होता चला आया है, बेसिक में भी होता चला आया तो एडवांस में भी ऐसा होता चला आया। नए नयों को निश्चय पैदा होता है, निश्चय बुद्धि बनते हैं और बहुत ऐसे पुराने हैं जो अनिश्चय बुद्धि होके टूट जाते हैं। कोई कर्म करते हुए तुम्हारे जिससे सगाई हुई है उनको और उनको घर को याद करना है, उसका मतलब क्या है? उनका घर है परम धाम, सगाई हुई है बाप के साथ, बाप बेहद का है, बाप का घर भी बेहद का है तो उसको याद करना है। उनके घर जाना है कि नहीं जाना है? एंगेजमेंट, वो घर ले जावेंगे कि नहीं ले जावेंगे? नहीं ले जावेंगे, सबको घर ले जावेंगे। पीयू की वाणी को शंकर का तांडव नृत्य कहेंगे क्या? तांडव नृत्य अंत में होता है या आदि में है? कब होता है? तांडव नृत्य होता है तो दुनिया का विनाश हो जाता है। जैसे यज्ञ के आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन हुआ था, तो अंत में भी ऐसा विघटन होता है। बाकी अंत में वाणी नहीं चलेगी, वाचा स्थूल चीज है,
और वाइब्रेशन सूक्ष्म चीज है। अंत में ब्राह्मणों की दुनिया का विशेष पुरुषार्थ वाइब्रेशन को चेंज करने का होगा। वाइब्रेशन से प्रकृति के पांच तत्व भी परिवर्तन हो जाएंगे। अव्वल नंबर की जो सीता है उससे राम वाली आत्मा ने कहा तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नाशा। तो इस बात में राम वाली आत्मा ने अव्वल नंबर सीता को कुछ प्रैक्टिकल में इशारा दिया था क्या? शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें कविता भी कविता है, कवि की कल्पना है, और कल्पना ज्यों की त्यों नहीं होती है जैसा ड्रामा होता है। बाकी इतना जरूर है कि कोई एक्ट ऐसी होती है जिससे इशारा मिल जाता है। और उसी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। बाबा, अपनी पिछाड़ी भूलों को अपने आप को कड़ी सजा दो। अपनी पिछाड़ी भूलों को अपने आप को कड़ी सजा दो। अपनी पिछाड़ी भूलों को क्या? श्रीमत श्रीमत के लिए वर्कलब करते रहे करना। श्रीमत के बरखिलाफ जो भूले हो जाती है आपको कड़ी सजा दो। उनको उनकी सजाएं धर्मराज न दे, बल्कि उनकी सजा हम स्वयं ही निश्चित कर लें और कड़ी सजा दे करके खत्म कर दें, तो हमारा पद नीचा नहीं होगा। अगर धर्मराज को सजा देनी पड़ी तो सजा भी कड़ी खाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक उसका ब्याज भी बढ़ जाएगा। और अभी तुरंत का तुरंत सजा दे करके अपने को खत्म कर लेंगे तो सजा भी हल्की रहेगी और पद भी भ्रष्ट नहीं होगा, तो फायदा है। इसलिए बोला निश्चित करो कि जो हमने भूल की है उसके भूल के निवारण के लिए हम क्या ऐसा करें कि जो दोबारा हमसे ये भूल ना हो। जैसे मान लो देवभान में आए, देवभान में आकर के कोई विकर्म बना लिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, तो हम सजा दें अपने को? कि हम रोज एक घंटा आत्म की स्थिति में बैठेंगे, कुछ भी हो जाए आत्म की स्थिति में रहना ही ये कड़ी सजा है। क्योंकि जितना हम देवान भोगते हैं, देवान के आधार पर विकार भोगते हैं,
उतना ही हमको आत्मिक स्थिति में रहना भी पड़ता है, बाप को याद करना पड़ता है। और भारत तब गरीब बनता है जब नाम हिंदुस्तान पड़ा, शूटिंग पीरियड में कैसा पड़ा? हिंदुओं का स्थान, हिंसा को दूर करने वालों का स्थान, हिंसा को दूर करने वाले देवता थे या द्वैतवादी राक्षस थे? देवता तो हिंसा को दूर करने वाले थे। जब से द्वैतवादी दुनिया द्वापर शुरू हुआ तब से हिंसा की शुरुआत हुई। तो कहना कुछ और करना कुछ। कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं, दूते दूर करने वाले हैं, लेकिन करते क्या है, और ही हिंसा को बढ़ाने वाले बन गए। तो आत्मा निर्बल बनेगी या बलवान बनेगी, गरीब बनेगी या साहूकार बनेगी? गरीब बनेगी। और बाबा पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, तो पतित भी एक के साथ बनना है ऐसा बोला ना जी? बोला है ऐसा बोला जी? ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। ये बात कुमार का भी लागू होती है क्या? सबको लागू होती है। पतित तो बनना कोई एक कर्मेंद्रिय से थोड़ा ही होता है। पतित तो होती है तो कुमार किसके साथ पतित बनना है? क्यों, आँखों से किसी के साथ पतित बन सकते हैं? आँखें तो कहीं भी रास्ता चलते पतित बन जाती है। तो इशारा दिया कि इंद्रियों का ही अगर संग करना है तो एक के साथ करना है, बाप के साथ करना है। बाप को अपना बनाया तो बाप से आंखें मिलाओ, दूसरों के साथ क्यों मिलाते हो? बाबा पत्तों से भी बीज पावरफुल है ना? है, पत्तों से बीज बहुत पावरफुल है। तो भी सारे मगर जो पहला पत्ता के ऊपर क्यों जाती है जी? है क्योंकि जैसे बीज से बीज होता है बाप, और बाप से पहला पत्ता माने पहला बच्चा पैदा होता है, तो पहला बच्चा पावरफुल होगा या कमजोर होगा? क्यों पावरफुल होता है, है? क्योंकि माँ बाप के लंबे समय की प्योरिटी के बाद पहला बच्चा की पैदाइश होती है। तो ऐसे ही इस षष्ठी रूपी झाड़ में भी पहला पत्ता कृष्ण है, लंबे समय की जो प्योरिटी हम धारण करते हैं संगम युग में उसकी पहली पैदाइश है, तो पावरफुल रचना होगी या कमजोर होगी? पावरफुल रचना होती है, इसलिए सबकी नजर उस पर जावेगी। क्योंकि एक पतित बने से सब पतित बनता है। ये बात कृष्ण बच्चा के ऊपर की लागू होती है ना? जिसके ऊपर नजर जाती है तो उसको सब देखते हैं, उसको ही देखेंगे तो उसको ही फॉलो करेंगे, जिसको फॉलो करेंगे
तो उसके नीचे गिरने से सब नीचे गिर जाएंगे। वो ऊपर उठेगा तो सब ऊपर उठ जाएंगे। बड़े को देख करके बड़े जैसा कर्म करते हैं, बड़े को देखकर छोटे भी वैसा ही कर्म करते हैं। तो इसे सच रूपी वृक्ष में बड़े ते बड़ा, पहले ते पहला पत्ता कौन सा है? कृष्ण पत्ता है। वो सुधरा तो सारा जग सुधरा। बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। और जब नारद मुनि ने पारिजात वृक्ष से फल तोड़ा तो उसको उसमें जोड़ी जोड़ी ही दिखाई देती थी। और कुछ उस फल में दिखाई नहीं देता था। तो नारद ने वो फल शंकर जी को दिया, शंकर ने वो कार्तिकेय को सौंप दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग के धर्मों का हेड है या प्रवृत्ति मार्ग के जो धर्म है सूर्यवंश और चंद्रवंश उनका हेड है? है निवृत्ति मार्ग के धर्मों का हेड है। उनको छह मुख दिखाए जाते हैं, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। छह धर्म हैं जो आस्तिक हैं, लेकिन विधर्मी हैं और विदेशी हैं। और निवृत्ति मार्ग वाले धर्म हैं, प्रवृत्ति का पोषण करने वाले नहीं हैं, प्रवृत्ति को बना के रखते हैं या झट से प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं, है? प्रवृत्ति को तोड़ने वाले हैं। तो ऐसे प्रवृत्ति को तोड़ने वाले धर्मों का मुखिया है कार्तिकेय। बीज है तो उसके बुद्धि रूपी हाथ में जब वो फल जाएगा तो उसे डबल डबल दिखाई देंगे या सिंगल फल दिखाई देगा? उसे कहां डबल दिखाई देगा, उसे सिंगल ही दिखाई देगा। इसलिए गणेश को नहीं सौंपा, उन्होंने अपने पास भी नहीं रखा, उनको दे दिया। बाबा चाणक्य का अर्थ किया है, चाणक्य का अर्थ किया है। चणक, उनके बाप का नाम था चणक और चणक का बच्चा चाणक्य। बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है, जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, मात्रा बढ़ गई। विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव, आई की मात्रा बढ़ गई। बाबा विजयमाला का आह्वान करने को समय है, लेकिन लक्ष्मी तो साफ सफाई जहाँ होती है पर आती है, लेकिन लक्ष्मी तो साफ सफाई जहाँ होती है वहीं आती है, पर आती है। हाँ। तो पहले जगदम्बा को अगर सफाई करनी पड़ेंगी ना? जगदम्बा नहीं सफाई करती है, जगदम्बा का जो तामसी रूप है
महाकाली काली वो सफाई करता है। लक्ष्मी का प्रवेश होगा। ठीक बात है। दिवाली होती है तो पहले सफाई की जाती है, तो पहले ही दीपक जलाए जाते हैं, पहले ही लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, पहले सफाई करते हैं, बाद में लक्ष्मी का आवाहन होता है। तो झाड़ू लगाने वाली तो जरूर चाहिए। इसकी बुद्धि चलती रहे, बुद्धि जाम नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो, हर बात में राय लेते चलो। बच्चों की शादी आदि करनी है तो मना थोड़ा ही करते हैं, मना नहीं करते है? क्या करते? शादी बर्बादी तो है, लेकिन बच्ची अगर शादी कराना चाहती है, ज्ञान में नहीं चल रही है और शादी नहीं करेंगे, वो किसी के साथ भाग जाएगी, मुंह काला कर जाएगी, तो समाज में हंसी उड़ेगी कि देखो पैसा नहीं खर्च करना चाहता। तो बाबा का डायरेक्शन क्या है कन्या के बारे में? जो ज्ञान में नहीं चलती उसकी शादी कराओ, इसलिए ये बात बोली। बच्चों की शादी आदि करनी है, मना थोड़े ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है, जैसे जैसे बच्चे हैं वैसा वैसा उनका हिसाब किताब देखा जाता है, हिसाब किताब देख करके राय दी जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है तो परिवार को दुखी क्यों करते हो? टूटे फूटे मकान में रख करके, पैसा है तो भल मकान बनाओ, मना थोड़े ही है। ये राय किनको देते हैं? ये उनको राय दी जाती है जो ईश्वरीय सेवा में भी नहीं लगाते। तो उससे अच्छा क्या है? कम से कम परिवार वालों को तो सुखी रखें, मकान बनाएं और आराम से खुद तो रहें, अपनी आत्मा को तो सुख दें। ईश्वरीय सेवा में तो लगा नहीं सकते, इतना उनको निश्चय नहीं है। जो ईश्वरीय सेवा में लगाएं, और बाबा से वर्षा लें, इसलिए उनको डायरेक्शन देते हैं कि भल मकान बनाओ। मकान बनाओ, शादी आदि कराओ, शादी आदि करा के ही अपना हिसाब किताब चुकतू करो। तुम्हारा हिसाब किताब ही ऐसा है कि याद में तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते, याद में रह करके तुम हिसाब किताब चुकतू कर नहीं सकते, याद में तुम्हारा मन लगता ही नहीं है, दुनियावी धंधे दौरे में ही मन लगा हुआ है, बाल बच्चों में ही बुद्धि फंसी हुई है। तो इससे तो अच्छा है वही कम धंधा करो, पैसा बर्बाद तो मत जाने दो। तो जैसा बच्चा होता है वैसी उसको राय बाबा देते हैं।
बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में कृष्ण को तो बंसुरी पकड़े हुए दिखाया ही है, लेकिन राधा को बंसी पकड़े हुए क्यों दिखाया है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं और नीचे जो राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, उनके माहौल में कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है? उनके आसपास जो दुनिया दिखाई गई है, उस दुनिया में कोई अंतर दिखाई पड़ता है? क्या अंतर है? हाँ, लक्ष्मी नारायण की दुनिया ज्ञान की दुनिया है, वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण है, उनकी दुनिया में ज्ञान की ही रोशनी रोशनी है। क्या सतयुग नहीं है? कौन सा युग है? संगम युग है। और नीचे राधा कृष्ण बच्चे खड़े हुए हैं, उनसे उनका क्या संबंध है? लक्ष्मी नारायण का माँ बाप का संबंध है। वो कौन से युग में पैदा होंगे? वो सतयुग में पैदा होंगे। तो सतयुग में ज्ञान की बंसरी होगी राधा कृष्ण को या बांस की मुरली होगी? कौन सी मुरली होगी? बांस की मुरली होगी। ज्ञान तो वहां होता ही नहीं देवताओं में। सन्यासी पहले जंगल में रहते थे, बाद में तमो प्रधान हो गए तो शहरों में घुस पड़े। ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? पहले सारे ही ब्राह्मण जो बेसिक में चलते थे, वो माउंट आबू के जंगल में रहते थे या बड़े बड़े शहरों में रहते थे? माउंट आबू के जंगल में रहते थे। फिर जब तमो प्रधान बने तो बड़े बड़े शहरों में घुस पड़े, बड़ी बड़ी महलें माड़ियां अटारियां बनाने लग पड़े, खूब पैसा कमाने लग पड़े और ऐशो आराम के साधन इकट्ठे करने लग पड़े। अभी आदि में जो था वो फिर अंत में भी वो फिर अंत में होगा। एक लव्य माने एक से लव करने वाला, फिर उनको भील क्यों बताते हैं? भील को भेंट किससे की गई है? भील ने जो पुरुषार्थ किया, उस भील की भेंट किससे की गई है? किसे? अरे पांडवों से की गई। पांडव कौरव राज परिवार में रहते थे, राजकुमार थे, और भील को राजकुमार कहेंगे? भील तो दो टिक्कर खाने वाले, जंगल में झोपड़ी बना के रहने वाले, तो दोनों में साहूकार कौन हुआ और गरीब कौन हुआ? भील हुआ गरीब और पांडव कौरव हुए साहूकार। तो उनको भील दिखाया है, गांवड़े का छोरा दिखाया है। और भाई आदर कुमार और माता जी दोनों मट्टी के हैं।
माता जी तो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, अदर कुमार के साथ और दो भाई रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो उस घर को गीता पाठ तरह बोर्ड लगा देते हैं। नहीं, अब ये तो पूछा ही नहीं क्यों। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? हैं? लक्ष्मी नारायण बनना। तो जो पढ़ाई पढ़ाने का घर है वो भी लक्ष्मी नारायण का घर होना चाहिए। हैं? माता जी पिताजी ने भट्टी तो की, लेकिन चलते हैं दोनों? चलते तो है नहीं, तो लक्ष्मी नारायण का घर रहा नहीं रहा। ओम नमः शिवाय में दिखाया है, नारद ने शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़े? तो कौन सी ऐसी आत्मा है जो आपकी परीक्षा ले सकती है? तो शंकर ने उत्तर दिया, शिव की परीक्षा शिवा तो ले ही सकती है। तो यहाँ पर कौन सी सेवा की बात है? भारत माता की बात है या जगत माता की बात है? ब्रह्मा को भारत माता कहेंगे, ब्रह्मा, या जगत माता कहेंगे? है? जगत माता कहेंगे। उस ब्रह्मा के पेट से भारत माता का जन्म होता है या नहीं? ब्रह्मा की बेटी कौन है? है? ब्रह्मा की बेटी भारत माता, तो जगदम्बा कहो या भारत माता कहो, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों ही एक ही हैं। उनमें भी जो भारत माता है उसमें प्योरिटी ज्यादा है या जगत माता में ज्यादा प्योरिटी है? भारत माता में प्योरिटी ज्यादा है, तो परीक्षा लेने की सवाल ही नहीं। परीक्षा कब होगी? जब इम्प्योरिटी होती है तब ही परीक्षा होती है। ज्ञान में चलने वाले बच्चों की भी परीक्षा कब होती है? जब पवित्रता को फॉलो करते हैं तो उनकी माया परीक्षा लेती है। तो शिवा के भी दो रूप हैं, एक है सत्युग त्रेता का, भारत माता का पवित्र रूप, और दूसरा है जगदम्बा का, जो सारे जगत की अम्बा है। सारे जगत में सब धर्म की आत्माएं आ जाती हैं, सब धर्मों की आत्माएं उसकी गोद में खेलती हैं। तो सब धर्म जो है वो इम्प्योरिटी को फॉलो करने वाले हैं, अपवित्रता को फॉलो करने वाले हैं। तो शिव उस अपवित्रता के पीरियड में, जिसे द्वैतवादी युग कहा जाता है, द्वापर कलयुग, वहां शिव बाबा होता है कि नहीं होता है? है? अरे है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं,
सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो द्वापर कलयुग में भी शिव बाबा तो है, शिव बाप नहीं है। तो शिव बाबा है तो उसकी परीक्षा भी होती है। और हराम जादे, पाप जादे, पाप जादे है, हाँ, हराम जादे जो ज्ञान में आने के बाद भी श्रीमत पर न चले, हरम्मापन करते रहे क्या? हाय राम अच्छा या जय राम अच्छा? राम की जय जयकार हो वो अच्छा या हाय राम हो वो अच्छा? हैं? जय राम होना अच्छा। लेकिन कोई उल्टा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं तो कौन से राम हुए? हाय राम हुए, हाय राम जादे हैं। साहब जादे तो साहब बनेंगे, ऊंचा ऊंचा पद लेंगे, कुर्सी नसीब मिलेगी, किसी को छोटी कुर्सी मिलेगी, किसी को बड़ी कुर्सी मिलेगी, कोई को कास्टली कुर्सी मिलेगी, कोई को टूटी फूटी कुर्सी मिलेगी, कोई चपरासी बनेंगे, कोई महाराजा बनेंगे। सिंहासन है, कुर्सी तो उसे भी कहा जाता है, लेकिन नाम सिंहासन देते हैं। बाबा जब ब्रह्मा की आत्मा 18 जनवरी को बेसिक में अव्यक्त वाणी चलाती है, चलाती है कि नहीं चलाती है, और उसी वक्त हमारे शिव बाबा यहाँ पर मुरली चला रहे हो, उसी वक्त चलाते हैं क्या? हैं? ब्रह्मा बाबा का चंद्रमा का पार्ट है या सूर्य का पार्ट है? चंद्रमा रात में काम करेगा, रात में रोशनी देगा या दिन में रोशनी देगा? रात में चंद्रमा रोशनी देता है, और सूर्य सूर्य दिन में रोशनी देता है। तो ये बात तो साबित ही नहीं होती है कि जब ब्रह्मा बाबा मुरली चलाए उसी समय शिव बाबा भी मुरली चलाए, तो मुरली पढ़ेगा कौन? अरे मुरली चलाने का टाइम ही उनका अलग अलग है। अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है। और जहाँ पंधार करना है, जहाँ पंधार करना है, संहार करना है, विनाश करना है, वहाँ रचना नहीं रच लेना, ठीक है, और यहाँ रचना रचनी है, संघार नहीं कर लेना है? मतलब हम बच्चे को कैसा लागू होता है? ऐसे लागू होता है, अभी संबंध की रचना करनी है, भांति भांति के संबंधों की रचना करनी है कि साफ संबंधों का विनाश करना है? संबंध बढ़ाने हैं या संबंध समाप्त करने हैं? है? तो संबंधों की अभी रचना नहीं रचनी है, क्या करना है? संबंध का, साफ संबंधों का संहार करना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसकी रचना करनी है। तो जो करना है उसका उल्टा करें, जो नहीं करना है उसका उल्टा करें, तो फिर घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा हो जाता है। और पवन पतित पावन बाप के यज्ञ से पर्वत होनी है ना कि पतित घर, पतित के घर से कैसा बोला था बाबा? ये नान सरण वालों को कैसा लगा? नान सरण वालों को कैसा लगा? कौन से डर? नान सरेंडर, नान सरेंडर, जो सरेंडर नहीं हुए हैं,
जो सरेंडर नहीं हुए हैं उनको जो पालना लेनी है, आत्मा की पालना होती है कि नहीं होती है कि शरीर की पालना होती है? पालना शरीर की ही होती है कि आत्मा की भी होती है? है दोनों की होती है। तो शरीर की पालना की बात नहीं है, कौन सी पालना की बात है? आत्मिक पालना की बात है। आत्मा की पालना जन्म जन्मांतर की है और शरीर की पालना तो सिर्फ इसी जन्म की है। तो बेहद के बाप से कौन सी पालना मिलती है? आत्मिक पालना मिलती है। तो उसके लिए बोला गया है, अब वो चाहे सरेंडर हो और चाहे नॉन सरेंडर हो। नॉन सरेंडर है उनके लिए ये बात लागू होती है कि अगर पालना लेनी है तो किससे लेनी है? आत्मा की पालना, एक बाप से पालना लेनी है। दूसरों से अगर पालना लेंगे, दूसरों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। एक बाप से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान व्यभिचारी होगा। अव्यभिचारी ज्ञान की प्राप्ति ही कुछ और, व्यभिचारी ज्ञान की प्राप्ति कुछ और हो जाएगी। जो व्यभिचारी ज्ञान सुनते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे द्वापर युग से। कोई इस्लाम धर्म में चले जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे, कोई मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे, कोई सन्यास धर्म में चले जाएंगे, कोई नास्तिक बन जाएंगे। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। इसलिए जो भी पालना लेनी है, चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो, किससे पालना लेनी है? है एक बाप से पालना लेनी है। बाबा राम ही रावण बनता बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, तो बाप का पार्ट कोई आत्मा उनको अभी रावण के रूप में दिखाई देता होता क्या? तो बाप का पार्ट कोई आत्मा उनको अभी रावण के रूप में दिखाई देता होता क्या? हाँ दिखाई देता है। जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं उनको बाप रावण के रूप में दिखाई देता है कि भगवान दिखाई देता है? है उनको रावण के रूप में दिखाई देता है। कृष्ण कंस दिखाई देता है क्योंकि राम और कृष्ण हैं तो एक ही शरीर में कि दो शरीर हैं? एक ही शरीर में। उनके लिए अंत आ गया अभी भी। ऐसे तो ये है अंत की बात, जब सृष्टि का अंत होगा, आखिरी टाइम होगा, तो विनाश का मूल निमित्त कोई तो बनेगा। कौन बनेगा? विनाश करने में जो आत्मा निमित्त बनेंगी वो नंबरवार होंगी या सब एक जैसी होंगी? तो अव्वल नंबर कौन होगा? कोई होगा या नहीं होगा? है कौन होगा? है राम वाली आत्मा ही अव्वल नंबर होगी। तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरा पार्ट हो जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है तो दूसरा पार्ट हो जाता है। सतो प्रधान आत्मा पवित्र आत्मा स्थापना का कार्य करती है, पतित आत्मा विनाश करती है। और बस
ओम शांति।